हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस की जन चेतना रैली। चोमू शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ नगर पालिका के बाहर कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन चेतना वाहन रैली चोमू शहर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए गांवों से होते हुए गुजरी और आम जन को कांग्रेस पार्टी की शक्ति ऐप से जोड़ने के लिए जनसंपर्क किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि जन चेतना रैली निकालने का उद्देश्य मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम सफल होने पर आम जन को धन्यवाद देना है और राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति ऐप से कार्यकर्ताओं और आम जन को जोड़ना है। इस दौरान रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। रैली में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। ये कांग्रेस की जन चेतना रैली पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव को टच करने का है हमारा। हर गांव-गांव में हम जाएंगे, जनता को जो 3 जुलाई का हमारा मेरा बूथ मेरा गौरव प्रोग्राम रहा, ये प्रोग्राम इतना शांतिप्रिय ढंग से बहुत ही अच्छे लोगों ने भाग दौड़ करके बड़ी संख्या में उपस्थित होके जो हमारे मेहमान आए उन सबको सुना और अच्छा एक मैसेज दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए हर गांव-गांव पहुँच रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, हम ये कह रहे हैं जनता को कि पार्टी किसी को सिंबल दे, पार्टी उस सिंबल के साथ अपन को बिना किसी भेदभाव एक वोट खराब नहीं करना और एक एक आदमी वोटों को जोड़ कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी साहब ने एक ऐप शक्ति ऐप कर रखा है लॉन्च, उस शक्ति ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के राहुल गांधी जी से जुड़े, उनका कंप्यूटर है, हर आदमी उनसे टच होगा, हर आदमी को वो जानेंगे और कभी कोई बात हो सीधा वहाँ मैसेज करे। इतनी बड़ी सुविधा दी है उसका लाभ उठाएं, ये हम जनता से सबसे विनती करते हैं। इस बार बात कर रही है कि सत्ता में आएगी, क्या लगता है किस तरह से सत्ता? ये तो आम जनता को मालूम है कि कांग्रेस जबरदस्ती से सरकार बनाने जा रही है और बहुत ज़्यादा बहुमत में आ रही है। चोमू शहर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।